नीचे तो काम लग रही थी, पसीने में पसीना हो लिया आधा ही घंटे में। ऊपर आई तो हवा ठंडी ठंडी लगी, मैं इससे अच्छा तो पहले आया करना अपना यहाँ करने ही लगी काम, फिर जाने के बाद कर लेते। पर काम भी कहीं से हो ना जो जरूरी हो जाए, जाऊँ इतना फिर भागो भाग का टाइम हो जाए। पर ऊपर आके तो इतनी ठंडी हवा लग रही है, नीचे तो मैं भीगी पड़ी हूँ, पहले ही भीगी पड़ी हूँ। एक्सरसाइज करूँगी जब तो दूसरी बात है, पर ऊपर आके मौसम अच्छा है। कल कोई कमेंट था कि दी अपने सारे पेड़ पौधे दिखाना एक दिन ना, अभी तो दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। कोई छाया में कहीं रखा हुआ है, कोई कहीं रखा हुआ है, सारे एक जगह नहीं रखे हुए ना, फिर बाद में एक बार बारिश ही आने दो फिर निकाल देंगे इधर, फिर दिखाते हैं। और पौधे इतने भी नहीं हमारे, वो ही हैं हार्डे वाले पौधे हैं जो अपना आराम से चल पड़े, जो धूप धाप में या ठंड में उस तरह के हों। वह पौधे हम लेते नहीं ना इनडोर लेके आते, इनडोर भी कम ही चलते हैं क्यों, उनको छाया चाहिए, छत पर इतना छाया का है नहीं, नेट करवाने के बाद भी नहीं चलते, इतना मैं बताती हूँ। और बालकोनी वगैरह की तरफ अभी मैंने रखे नहीं है, क्यों इधर वालों को ही शिफ्ट कर देते हैं। पहले तो मैं उतना कर रही हूँ जितना मेरे से संभाला जाए, धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। अभी तो 3 साल में ये इतना हो गया, वो काफ़ी है। लगाती हर सीजन में हूँ मैं, बारिश में लगाती हूँ 15-20 हूँ। फूल वाले तो चलो आते रहते हैं, पर जो आड़ी पौधे हैं 15-20 तो मैं हर सीजन में ही लगाते हैं, उनमें से कुछ चल जाते हैं कुछ मर जाते हैं। छत वाला थोड़ा मुश्किल बताती हूँ मैं, मुश्किल भी होता है हमारा। इस पोर्शन में तो मेरी सब्जियाँ ही होती हैं, उधर वाले में पेड़ पौधे होते हैं, दिखाऊंगी वो भी। आपका कमेंट मैंने देख लिया था। हेलो एवरीवन, राम राम, नमस्ते, कैसे हैं सभी? उम्मीद है सभी ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं संतोष के अलावा स्वागत करती हूँ आपके अपने इस व्लॉग्स टेरिस गार्डनिंग के एक और नए व्लॉग्स में। जो मैं कर रही हूँ उसमें कामयाबी थोड़ी धीरे धीरे मिलती है, क्यों मिट्टी कम है, फिर वर्मी कम्पोस्ट है, फिर थोड़ा वो कोकोपीट है, फिर उसकी जैसे किचन वेस्ट बना है वो मिलता रहेगा, और जो ये पत्ते होते हैं उनका भी मैं मिक्स ही बनाती रहती हूँ। 3-4 साल बाद के बाद सब्जियों के लिए मेरे को दूसरा ही सीज़न है ये, तो मैं अपना 3 का टारगेट मान के चल रही हूँ, 3 के बाद कुछ सब्जियाँ होने लगेंगी। तो चलो कर लेती हूँ मैं, अंधेरा ही है अभी, 5 बजे हैं। आज हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, ना तो चिड़ियों की आवाज़ बहुत अच्छी आ रही थी, फिर साथ में हवा की आ रही थी। सुबह सुबह चिड़िया बहुत हो आ जाती है, और आते मैं पानी रखूँ ना तो फिर उसको पीने के लिए और ज़्यादा आ जाती है। एक तो मेरे पीछे एसी के पंखे के ऊपर ही रखा हुआ है, उनके पानी के लिए यहाँ बैठी रहती हैं, कबूतर भी यहीं आते हैं, तो अच्छा लगा है। इनकी चहचहाट और कुछ होते भी ज़्यादा ही हैं सुबह के टाइम, तो चाहे कबूतर हुए चाहे चिड़िया हुई। चल रही है ठंडी, सीने आए हुए हैं, बहुत बुरा हाल, बिल्कुल भी उठने को दिल नहीं करता, इतनी ठंडी हवा लग रही है ना। अभी यहाँ पर हवा चली हुई हुई है वाकई में ना। मैं करते करते सोच रही थी, मैं पहले जैसे कोरोना के टाइम, कोरोना आया जब जिमों में जाते थे, जिम में करते थे, छत पर करते हुए बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा करता, क्यों लॉकडाउन हो गया, बंद हो गया सब, कि मैं जिम जा मैं रोड छत पर करने आते, बड़ा अजीब लगा करता, क्यों सारे लोग चढ़े रहा करते कोरोना काल में ना, सब अपनी अपनी छतों पर। अब छत पर इतना मज़ा आने लगा, क्यों 3-4 साल हो गए, तो अब कहीं योगा करने जाने को जिस तरह सभी जा रहे हैं, तो कहीं जाने को कुछ मन ही नहीं करता, यूँ होता ही नहीं, वहाँ अंदर कैसे कर लेंगे, मेरे को तो ये होता अंदर कैसे कर रहे हैं, यहाँ फ्रेश फ्रेश हवा मिला है, सुबह सुबह ठंडी ठंडी मिला है, तो वहाँ तो सबके में बंद ही हो जाता है। और अनुलोम विलोम को पल बातें करें तो जितना फ्रेश हवा में करेंगे उतना ही बढ़िया होता है। अब करते करते दिमाग में आ रही थी, क्योंकि मैं भी सोच रही थी, मैं मेरे पास टाइम हो गया तो मैं भी चलूँगी, सारा ही मेरा ग्रुप सारा ही जा रहा है ना, मैं ही रह रही हूँ जो घर में कर रही हूँ ना सभी, या कोई जिसका कोई एमरजेंसी है एक दो वो रहती है। हवा चलने के बाद भी यूँ पसीना टपक जाता है, और सुबह का टाइम है तो इस मौसम में वहाँ जाकर ना, और फिर यूँ कहते हैं एसी भी नहीं है, पंखे ही पंखे हैं, तो बुरा ही हाल हो जाए, मुश्किल काम है। क्यों मैंने कराया हुआ बहुत है ना, जिम भी योगा भी सारी जाया ही करती, मेरा कई साल से ऐसे रेगुलर हा बना हुआ था, तो जब लॉकडाउन ने ऐसा काम किया तो अब छूट गया, तो बिल्कुल जाने को दिल ही नहीं करता, यही मज़ा आने लग गया, यही हो गया अपना छत पर ना आ ले तो यहाँ दिल भी नहीं लगता, नहीं आते तो अपनी टेरिस पर जाना है। अरे यूँ छत पर करा है तो किसी ने कुछ ना कुछ मोटिवेशनल तो मिलता ही है, ये तो होता ही है भाई ना, कहाँ ये करने लग रही है तो चलो हम भी कर लेते हैं, कम से कम एक बंदा तो नहीं देख के किसी का तो दिमाग में यूँ आती होगी। जैसे आजकल तो यूट्यूब पर हम फालतू के कम आसान छुड़े रहते हैं, वीडियो ऐसी बनाओ ना कम से कम कोई देख के यूँ सोचे कहाँ भाई ये कर रहा है तो चलो मैं भी कर लेती हूँ कुछ अच्छा, किसी को सीख देने के लिए कुछ बना सकते हो तो बना लो,
ना अपना काम से काम मतलब रखो। तो मेरा तो यही होता है हमेशा, मेरे से कोई कुछ सीख सके तो शायद, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ही किसी का ही होता है काम, भाई ये अच्छा काम है चलो हमने भी करना चाहिए। जैसे मेरा पेड़ पौधा में अगर किसी को यूँ होता है तो हाँ भाई लगाना चाहिए, ज़रूरत भी है आज के टाइम में, क्यों पोल्यूशन इतना हो रहा है, गर्मी इतनी पड़ने लग रही, पेड़ों की कटिंग हो रही है, तो अपने घर में सीजन में कम से कम 2 पौधे भी लगा ले तो काफ़ी होता है, ग्रीनरी रहे अच्छा लगे, फ्रेश हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। तो इसीलिए मैं अपना तो छत पर है, छत का मेन वो है योगा कर लो और अपने प्रकृति से थोड़ा प्यार कर लो, प्रकृति से प्रेम। और वो कहते भी हैं जो पेड़ पौधे के नज़दीक रहता है 10 मिनट भी इनसे साथ काम कर लेता है तो इंसान कभी डिप्रेशन में नहीं जाता, मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता वो आदमी, इनके साथ खुश रहता है ना, उसका फिर फालतू पातों की तरफ ध्यान जाता। आजकल हर एक आदमी परेशान है, हर एक डिस्टर्ब है, थोड़ा बहुत इनके साथ टाइम स्पेंड करे अपने दिमाग में से वो बातें निकले तो थोड़ा सही रहता है। मेन यही होता है अगर कोई कुछ सीखना चाहे किसी से, मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं जिस तरह गार्डनिंग वाले भी है उनकी किसी की भी वीडियो आ जाती है, मैं इतना ध्यान से देखती हूँ कि कैसे कर रहा है अपने उस पौधों का, सब्जियाँ का भी सीखने को ही मिलता है, चाहे कोई छोटा यूट्यूबर होया चाहे कोई बड़ा होया, हर एक की वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और मेरे तो सामने गार्डनिंग की इतनी आती, मेरे तो इतना वो रहता है गार्डनिंग की हुई चाहे योगा की हुई, ये अलग एक्सरसाइज है ये मैंने करनी है, और न्यू ही गार्डनिंग का होता है यो किस तरह कर रहा है तो इस तरह करूँगी मैं, इस तरह पौधे को दूँगी से, तो वो चीज़ें दिमाग में ही रहती है, यो करना चाहिए मैंने। इनका ये नहीं है पेड़ पौधों का बस लगा कर ना छोड़ दिए, उनकी केयर भी इतनी करनी पड़ती है। जैसे अब आज मैं नीम की वो करने लग रही हूँ स्प्रे नीम ऑयल का, कल शाम को फवारे से भी हमने उतारा था, जो मिली बक्सा होता पौधे पर वो सफ़ेद सा होकर ना और उसके अंदर कीड़ियाँ आ जाती है, तो मेरे जेड प्लांटा पाई हुई हैं ये गुड़हल के कारण, कल की वीडियो में मैं दिखा भी रही थी, ये सबसे ज़्यादा गुड़हल पाती है और गुड़हल इतना अच्छा फिर ग्रो भी नहीं कर पाता, इस पर अगर ज़्यादा आ जाती है ना फूल खिलेंगे ना और सूखता ही चला जाएगा वो उसको मिली बघा को बोल देते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से जो अंडे पूरी टहनी पर ही लग जाते हैं। तो आज लगी थी मैं करने, क्यों इनकी केयर एक बच्चे की तरह ही करनी पड़ा है। कल शाम को सिंपल पानी से धोया था, फिर हमने सोचा नीम ऑयल ही कर देते हैं ना, तो मिर्च का और लहसुन का भी वो पानी में जैसे पेस्ट बना कर और उसका भी कर देना, उससे भी ख़त्म हो जाता है और सीधा उससे भी हो जाता है, सरफ के पानी से भी ख़त्म हो जाता है, पर अगर ज़्यादा हो रहा है तो फिर नीम ऑयल से बढ़िया कुछ नहीं है, पर मारते रहना चाहिए जब तक ये ख़त्म नहीं हो जाता। और जो ये मिली बग है वो टमाटर को, हरी मिर्च हुई और बैंगन के पौधे हुए, सबको सबसे पहले अपनी चपेट में लेता है, हर एक पौधे को ही लेता है, कोई भी हुआ इसके आसपास ना जो उसको यूँ लगेगा खाएं या मेरे आ जाता है तो उसी को ले लेगा। फिर मैं लगी थी चाय की पत्ती जो सूखी हुई थी उसको पौधे में डालने के लिए, क्यों नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, फिर दिन हो गए थे डाले हुए, यह डब्बा भरा हुआ था मैंने और इकट्ठी कर रखी थी, मैं इस डब्बे में फिर मैं वो डाल दूँगी, तो वो डाल दी थी फिर सारे पौधे में। सब्जी सब्जी काटी है, ऑफिस वाले ने दिया है, वह गए हैं तो 7:30 होने वाले हो रहे हैं, ऊपर तो कम तक कम हवा में पसीना सूखे जा है, नीचे पंखे के नीचे वही नहीं सूखे देता बुरा हाल हो जावा है ना किचन में काम कर करते हैं, और किचन में ना हो काम तो फिर कोई काम होता ही नहीं, इतने कोई काम होते ही नहीं, कम में यह हुआ है असल में किचन में, पर आते इतना तो पानी पी लिया 3-4 गिलास तो, जो प्यास लगी हुआ है, और अब अपनी थोड़ी हिलाई बना कर ना बैठती हूँ, पर बैठ जावा है तो और कच्ची हो जावा है, क्यों पसीने सूख जावे, पसीने सूखने के बाद फिर वैसे नहीं मन करता हूँ, तो पी लेती हूँ थोड़ी एनर्जी आ जाएगी, 1.25 घंटा तो मैं योगा में भी लगा के आती हूँ, पहले 1/2 घंटा जुम्बा करूँ फिर 1/2 घंटा फिर मैं योगा करूँ, तो थकान तो हो जाती है ना, फिर कुछ जो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट में अपनी रबड़ी और चिकना हाथ की मेसी रोटी इतनी करड़ी ही करके ला रही हूँ, टाइट टाइट सी, अब तो सॉफ्ट होगी पंखे के नीचे ना, टाइट सी अच्छी लगा ना, बेसन ज़्यादा जो पिसवा कर रखते हैं रोटियों में डालने वाला, और गेहूँ का कम, चिकने हाथ के हाथ पर चिकना लगा कर ना, जब सिम गैस पर ना तवे करारी करारी सेकी थी, यहाँ तक आने में थोड़ा हाई यूँ लगी थी, मोटर वाटर बंद करने ना मोटर चलाई हुई थी, तो उसी में थोड़ी सॉफ्ट होगी पंखे के नीचे आके ना और तरह की होगी ना, तो हम अपना खा लेते हैं ब्रेकफास्ट, फिर सब्जी सब्जी बनाओ मैं अपने, फिर सब्जी बनाऊँगी खा कर ना, तो बस इन्हें आए आए हुए थे ज़्यादा ही दुखी हो रही थी मैं, फिर आऊँगे तो फिर ना आएंगे, तो टाइम होया 10 बज गए, 5 मिनट रह गए 10 बजने में, ये टाइम होता है ब्रेकफास्ट का मेरा,
लोगों को 8 बजे 9 बजे हो जा, मेरा 10 बजे हो जा। 11 बज गए हैं, सारे काम निपटा दिए थे, तो अब सब्जी बनाई है। सब्जी में आज बनाए हैं आलू, आलू टमाटर वैसे सिटी मरवा कर रस वाली सी भी वाला, जैसे टमाटर भी मोटा मोटा रख कर ना वैसे डिमांड करी थी मैं, चलो बना देती हूँ रसू वाली। बोले रोज वही सब्जियाँ बनाते हैं, आज आलू बनाओ, मैं आलू बना देती हूँ, बनी गई मेरी। और इधर से खीर रखी हुई है, क्यों खीर हमारे खाते हैं बिल्कुल ठंडी, बिल्कुल यूँ हो लियो जब अच्छी जिस तरह वो खाते हो खोआ जैसा लगे, तो इसलिए मैंने सुबह ही रख दी 11 बजे, शाम तक यार ठंडी हो जाएगी। और थोड़े चावल पीसे हैं इसमें जो भी गो रखे थे, कि बासमती चावल में लंबे फिर वह ठंडी ठंडी है अच्छी हो, इसमें गुट सी जाएगी थोड़ी ही, वो जितनी घुटेगी उतनी ही फिर वो अच्छी लगेगी ना। पीस लिया करूँ मैं ऐसे, यूँ का यूँ सब उतनी नहीं डाले जाते, कणी वाले कम लेते हैं, कणी वाले हों तो और ज़्यादा अच्छी बना है। तो मैं थोड़ा और पसीना हो रहा है बुरा, यहाँ खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी देर ना तो निकल जाएगी। रखी तो सिंपल है, और छोटे वाले बेटे का उठता बिल्कुल 10 बजे है, तो उसका ब्रेकफास्ट बनाया है तो उसका दिखा देती हूँ। मूसली है, सारे फ्रूट हैं, कीवी है, केला है, आम है, और सारे ड्राई फ्रूट हैं। फिर दूध है, बैक कैमरे से दिखा दूँ तो इतना अच्छा लगे, खाने को मन कर जाए। अब थोड़ी देर ये फ्रिज में रखे हैं, अभी नहाया धोया है, क्यों 11:15 हो रहे हैं, फिर खावे भी लेट, उठे लेट तो खावे लेट। मैं चलो बिना किसने रहना है तो क्या मैं अपना हिसाब से करता रहेगा, वहाँ तो भागो भाग रहती है कॉलेज की। नीचे की साइड इसमें मूसली डाली हुई है, फिर सारे ड्राई फ्रूट डाल रखे हैं। इधर कोई है क्या बोलते हैं, किशमिश है, केला है, कीवी है, आम है, इतना अच्छा लगा है ना पूरा, इतना होता भी टेस्टी है, टेस्टी बनाता है, कल मेरा भी बनाया हुआ था। तो ये काटे तो मैं नहीं है ना, फ्रूट वगैरह तो मैं ही काटा करूँ, वो अपना गोल के ना रख जाओ, मैं चल मैं कर देती हूँ, ये भी इसको फ्रिज में रखूँगी घंटा। ये हमारे बच्चे के खाने हैं, और पसीना घुस गया है बिल्कुल आँख में, आँख नहीं खुल रही है ये। खीर बन गई है, अभी ठंडी हो जाएगी तो इसने रख दूँगी, और जिन्हें शक्कर के साथ खानी होगी उसने वैसे निकाल दी बगैर चीनी डाले हुए, चीनी तो डाले नहीं कर दी मैं, देसी खांडी चले आ गए हमारे तो, सारी गर्मी हो चाहे सर्दी हो चीनी हम कम से कम ही यूज़ करें आ गए, तो अब इसने निकाल कर ना उसमें, और फिर थोड़ी ठंडी हुई पीछे फिर फ्रिज में रख दूँगी। साथ के साथ आ गया मेरा सब्जी वाला भी, सब्जी दे के गया तो पेठा ले ही कटवा गया ना, हमारी माँ ने पेठा इतना स्वाद लाता है चाहे रोज दे दो, मांगी ले है, फिर साथ माम भी ले आई, फिर सब्जी भी खरीद दे ले आई मैं, और खरबूजे बहुत मीठे ले आ रही हो कल, बल्कि हम दुकान से ले आए थे वो इतने मीठे नहीं थे, फिर इसी से ले के आई मैं 2 किलो इसे, यही देख गया। अब जब फ्री हुई हूँ अब दोबारा स्टार्ट हो जाएगा दूसरा, अब मेरे ख्याल से ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, मैं यही ख़त्म करूँगा, गर्मी में मन भी नहीं करता अब करने को, क्यों आज जो मॉर्निंग रूटीन का ही रहेगा। तो कल मिलते हैं फिर, तब तक राम राम।